Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update. Now we come to Zomato, which is the big story, a chunk of, I'm assuming, your most valuable experience before you started out on your own. You are the 12th employee of Zomato, and tell us a little bit about your journey. What did you do at Zomato? Because we see it in our small way also, because we also are trying to build a business at InsideIIM. जो शुरुआत के जो कोर टीम होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है. वो जो सेट करेगा सिस्टम्स, जो प्रोसेसेस बनाएगा, वो अगर अच्छे हुए, वो पुख्ता हुए, तभी वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है. सो कुड यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट? डेफिनेटली. एक तो जब आपने पूछा ना, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू वर्क फॉर फंडेड स्टार्टअप, मैंने चार हाथ देखे थे ऐसे ऊपर, राइट. मेरे केस में ये था कि माय नेचर इज सच कि मेरे को जब तक रिस्क नहीं होता काम में, वो मज़ा नहीं आता, राइट. मतलब सेल्स वालों को पंटर बोलते हैं लोग, तो मेरे को पंट मारने की आदत है हर चीज़ में. आई कैन नॉट गो इन टू एन ऑफिस एंड मेक PPTs लाइक यू नो थ्रू द डे. आई कांट डू दैट. दैट्स व्हाई आई क्विट कंसल्टिंग एज वेल. मुझे ये चीज़ पता, और मैं शर्त लगा के बता सकता हूँ दैट आप सबके नाम यहाँ रिकॉर्ड कर लो, एंड 4 years डाउन द लाइन एटलीस्ट 20% ऑफ यू आर गोइंग टू बी इन स्टार्टअप्स. रीजन ये है कि आप में, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, ऐसे लोग हैं जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स और ये वो, उससे बहुत जल्दी तंग आ जाओगे. स्पेशली दोज ऑफ यू हु आर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, जिनको कमाने का प्रेशर थोड़ा कम है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, एंड यू विल मूव ऑन टू ग्रीनर पैस्चर्स. क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ एक फायदा ये होता है कि ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑल ऑफ दैट इज नॉट there, right, unless you started. Yeah. It's very no nonsense, you know, do stuff all the time. As far as my journey is concerned, see, one thing I realized, and I spent 18 years in Zomato. Oh, main isliye bol raha hu because aapne dog years ke bare mein suna hai na, 1 year equal to 7 dog years. To main bolta hu ki startup mein agar aapne ek saal bitaya to that's equal to 3 or 4 years, because itni pace pe cheeze chalti hain. तो एक्चुअली अगर मैंने 6 साल बिताए तो मैंने तो 18 साल बिताए. द फर्स्ट लर्निंग दैट आई हैड व्हेन आई जॉइंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप विच वॉज सीट फंडेड, आई वाज़ द 12th पर्सन देयर, वॉज दैट इट इज नॉट अ करियर चॉइस, इट इज अ लाइफ स्टाइल चॉइस. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इट्स अ लाइफ स्टाइल चॉइस? कि आपके जो 24 घंटे हैं वो ईट ब्रीथ स्लीप शिट, देर इज नथिंग एल्स, राइट. यू आर बेयरली एबल टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड्स, स्पाउस, एटसेट्रा, व्हाटएवर, राइट. सो इट इज अ वेरी क्लियर लाइफ स्टाइल चॉइस. And I guess some people take it because they are just not happy doing run-on-the-mill stuff. Unko excitement chahiye hoti hai. Wo andar se adventure sports wale log hote hain, right? So this is the corporate equivalent of an adventure sport. That's what you're really doing when you join a startup. Second thing I realized is job description bolke kuch nahi hota. वो बनाया होता है. मैंने भी पूछा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो सामने से जवाब है धंधा खड़ा करना है. मैंने कहा ओके, दिस इज शॉर्टेस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन आई एवर हर्ड. तो उसके बाद सडनली यू नो रिक्रूट कर रहे हैं लोग, फीट ऑन स्ट्रीट रिक्रूट कर रहे हैं, जो ये आपके मेन्यूज नहीं कलेक्ट करते, उसकी सैलरी थी. अभी तो खैर जोमैटो इज अ बिग ब्रांड नाउ, बट मैं आपको अर्ली स्टोरी सुना रहा हूँ. मैंने बॉम्बे ऑपरेशन स्टार्ट किया था जोमैटो में 2010 में, तो मेरे फ्लैट से स्टार्ट हुआ था अंधेरी में. उसकी तनख्वाह होती थी 7,000 रुपये प्लस सम परफॉर्मेंस लिंक बोनस. अब ये लोग कहाँ से, मेरी लाइफ का पहला चैलेंज रिक्रूट करना. अब रिक्रूटमेंट के लिए या तो मैं InsideIIM आ सकता हूँ या मैं IIM जॉब जा सकता हूँ. व्हाट आई डिड वाज, और स्टार्टअप्स में क्या होता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो वाइफ भी स्टार्टअप की एम्प्लॉय बन जाती है इनडायरेक्टली. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? कहते यार वो ना लोखंड वाला मार्केट में ना एक डोमिनोज है, उसके बाहर जाके पोच करने की कोशिश करते हैं. आपने डोमिनोज के डिलीवरी बॉय को पोच किया? नहीं, वो लोग पंक्चुअल होते हैं बिल्कुल. रैश ड्राइविंग भी करते हैं, बट ठीक है चलता है. तो उसको पकड़ा, उसको पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है तेरे को? सर कुछ 6,000 मिलती है. मैंने कहा मैं 7 दूंगा. और उनका कैसा है, 1,000 के लिए वो स्विच कर जाते हैं बहुत इजीली, जैसे जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय स्विच मारते हैं 500 रुपए के लिए. जैसे जोमैटो और स्विगी के बीच में हम स्विच मारते हैं, आप स्विच मारते हो, राइट? 10 रुपए के लिए स्विच मारते हो, मार लेते हो. वो रिक्रूटमेंट था. अब मेरे को बी स्कूल में रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू एंड यू नो सीरियस स्टफ, व्हाट आर देयर, वेयर यू सी योरसेल्फ 5. मेरे को समझ में नहीं आया इंटरव्यूइंग ऐसे क्यों होती है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स. मेरे को पता ही नहीं, मेरे फैमिली में किसी को नहीं पता
कि उनको एक अगले एक साल में क्या करना है, मैं कैसे बताऊं आपको अगले पांच साल में मुझे क्या करना है? मेरे को तो यही नहीं पता, मुझे आज भी ये पता नहीं होता कि मैं अगले महीने क्या करूंगा। ऊपर से मैं स्टार्टअप चला रहा हूं अपना जिसका कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए, राइट? वो सब क्वेश्चन तो किसी काम के ही नहीं है यहाँ पे। अब वो भाई है, उस भाई को उसकी भाषा में समाउ यू नो आई हैव टू हायर हिम देन ट्रेन हिम, रिक्रूट ट्रेनिंग में बिल्कुल एकदम वर्नैक्युलर में एकदम मुंबईया हिंदी में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। फिर वो चोरी चकारी भी करता था, राइट? उसको जितना टारगेट देते थे उस उतना करके ला रहा था, बट यू नो ही वुड फाइंड वेज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग इट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अब इस चीज़ के लिए कोई भी स्कूल ट्रेन नहीं करता बिल्कुल नहीं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर द सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट वाज सेल्स। मेरे को लगता है आफ्टर अबाउट 10-11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हर आदमी सेल्स पर्सन बन जाता है, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट इफ यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स, इट्स बेसिकली एक तो डेफिनेशन ऑफ सेल्स है कि यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस एंड यू आर गेटिंग कैश इन रिटर्न, राइट? सो द मोमेंट दैट ट्रांजेक्शन इज डन, अ सेल इज क्लोज्ड, राइट? व्हेन यू आर इन अ सीनियर लीडरशिप पोजिशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, विच ईच वन ऑफ यू विल हिट एट 10 to 12 years of experience, right? You'll become a senior VP in some organization. Some of you will be achievers and achieve it before. You're basically selling ideas all the time. या तो आप investor से fundraise कर रहे होते हो तो उसको कहानी बेचनी पड़ती है, right? तो निकालो कहानी, चिपकाओ, right? नहीं तो fundraise नहीं होगा। या आप shareholders को कुछ कहानी चिपका रहे होते हो, let's say quarterly result अच्छा नहीं आया, क्या कहानी सुनाए कि क्यों quarterly result अच्छा क्यों नहीं आया और आगे का प्रोजेक्शन कैसा होगा, हायरिंग में कुछ इशू आ गया, हमारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्यों खराब है, उसकी कोई कहानी, राइट? कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई आइडिया आप किसी ना किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर इन्वेस्टर किसी ना किसी को तो बेच रहे होते हो। तो एट द एंड ऑफ इट 10-12 साल बाद हर नौकरी सेल्स में बदल जाती है। तो मेरे को समझ में बहुत जल्दी ये बात आ गई थी बिकॉज आई जॉइंड अ स्टार्टअप, पर उसमें मेरे को थोड़ा अलग चैलेंज था। 2010 में आई यूज टू माई वाइफ यूज टू मेक दिस बैग फॉर मी। उस बैग में दो पानी की बोतल, एक तौलिया, एक टी शर्ट चेंज, आई डेंट हैव अ कार बैग देन, बिस्किट विस्किट स्नैक्स स्नैक्स सब डाल देना। आई टू टेक द लोकल फ्रॉम अंधेरी टू कोलाबा, मीट सम हाई फ्लाइंग सम रेस्टोरेंट चेन का ओनर एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर वो लोकल ट्रेन से वापस आना। माई फादर केम टू विजिट मी फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज। अच्छा क्या करते हो? मैं बोला कि ये पोर्टल है फूडी बे, फूडी पे बोला जाता था उस टाइम पे, तो इसके लिए मैं बेचता हूँ, मतलब इस पर स्पेस बेचता हूँ। अच्छा तो कहाँ है क्लाइंट वाइंट? मैं कोलाबा में। कोलाबा में कैसे जाते हो? मैं कहा लोकल से जाता हूँ। कहता अच्छा लोकल से जाते हो? कहता इजंट इट टफ? मैंने कहा हाँ टफ तो है। एंड आई सॉ द लुक ऑन माई मदर्स फेस, द लुक वॉज लिटरली लाइक इस दिन के लिए पढ़ाई करवाई थी क्या? सो लिटरली डोर टू डोर सेल्स सेलिंग is what I did for all my 6 years, actually. All your six years. उस टाइम पे बिना उसके करते थे, बाद में थोड़ा प्रमोशन हो गई, सीनियर हो गए तो थोड़ा ज़्यादा ऐशोराम आ गया कि बाइक में चले जाते थे, उसके बाद फिर गाड़ी आ गई। बट पॉइंट इज कि किसी ना किसी के सामने जाके तो जलील होना पड़ता था जो कि अभी भी होना पड़ता है, राइट? अभी भी होना पड़ता है। हाँ, 10 लोगों के पास जाते हैं, 9 ना बोलते हैं, 1 हाँ बोल देता है। सो पंक्चर्ड ईगो के साथ मैं हर रोज शाम में घर जाता हूँ, एंड आई स्टिल हैव टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ एंड किड, राइट? सो दैट्स व्हाट मेक अ न्यू सेल्स पिच एंड मेक अ न्यू सेल्स पिच, राइट? सो दैट्स व्हाट दिस टॉट मी। व्हाट इट टॉट मी वाज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव हो गया। मेरे को समझ में आता था कि व्हाई पीपल से नो एंड यू बिकम ओके विद अ नो। अब मैं थोड़ा खुल के बोलूं? बिल्कुल। अच्छा मैं बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज के ब्रांड मैनेजर्स से मिला। आई एम श्योर आपके यहाँ पे 60% लोग ब्रांड मैनेजर बनना। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम ब्रांड मैनेजर्स? अब नहीं बोलोगे आप? अब थोड़ा कम हो गया, अब प्रोडक्ट मैनेजर बनना है। अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर कंसल्टेंट वो सब तो मैं ब्रांड मैनेजर के सामने उनको अपना प्रोपोजिशन प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड सो ऑन सो फॉर्थ, और ब्रांड मैनेजर लेफ्ट राइट एंड सेंटर मेरे मार रहे हैं, ये नहीं आता आपका, ये खराब है आपका, वो खराब है। वो लोग क्योंकि AC ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, सो फार अवे फ्रॉम रियलिटीज, उन्होंने भी सुना होता है, सीनियर ब्रांड मैनेजर से सुना होता है, सीनियर ब्रांड मैनेजर ने कैटेगरी हेड से सुना होता है, राइट? और वो अगर मैंने आपको यूनिलीवर का ब्रांड ब्रीफ दिखा दिया, आप बी स्कूल में जाओगे ना, आप बेटर ब्रांड ब्रीफ्स प्रिपेयर कर सकते हो अगर मैंने आपको यूनिलीवर का ब्रीफ दिखा दिया। दूसरी चीज़, मैं एक्सपोजे तो नहीं कर रहा यहाँ पे ज़्यादा, नहीं नहीं कि कोई पकड़ के मेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा सच हो जाए तो रोक लेना मेरे को। तो एक पेज का ब्रांड ब्रीफ है, मैंने ना 3 साल लगातार कॉपीज मंगवाई, 2013, 14, 15, तीनों का फॉर्मेट सेम था, बॉक्सेस के कलर सेम थे,
नंबर अंदर पेनिट्रेशन परसेंटेज का बदला हुआ था. बाकी ब्रांड ब्रीफ सेम है, सिर्फ सेम ब्रांड ब्रीफ है, परसेंटेज चेंज किया है. किसी ने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्रांड ब्रीफ को, जो कि ब्रांड मैनेजर्स देते हैं आगे, को बदला नहीं था. उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि दिस इज नॉट वेयर आई डोंट फिट इन हेयर. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ यू हु विल फिट इन देयर बिकॉज समथिंग एल्स सॉर्ट ऑफ ड्राइव्स यू. इट डिड ड्राइव मी. सो माई पॉइंट इज दैट इट टॉट मी कस्टमर की रियलिटी क्या होती है, बिकॉज वो मुंह पे बोलता था जो बोलता था. तो बोर्डरूम में जब डिस्कशन होती थी, मेरे को साफ पता लगता था कि किस एरिया ऑफ बिजनेस में हम लोग भ्रम में हैं और कौन से एरिया ऑफ बिजनेस में रियलिटी चल रही है. ये बहुत बड़ी लर्निंग थी. एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड द ऑडियंस के, मतलब सेल्स किसको करना है. ओनली अ फ्यू हैंड्स केम अप. एंड सेल्स की तरफ इट्स ऑलवेज बीन, एंड आई हैव सीन इट ऑल दीज इयर्स मायसेल्फ. आई एम आल्सो 2010 पास आउट. एंड सेल्स की तरफ एक ऐसा एटीट्यूड है कि वो इट्स लाइक अ ब्लू कॉलर जॉब कम्पेयर इन अ वर्ल्ड ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब्स दैट यू कैन गेट इनटू फ्रॉम कैंपस. एंड ऐसा क्यों है एंड हाउ डू वी चेंज दिस? बिकॉज ऑनेस्टली आई ऑल्सो कम्प्लीटली अग्री विद यू दैट एवरी जॉब आफ्टर अ पॉइंट इज अ सेल्स जॉब. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु विल गेट इनटू बैंक्स विल एसेंशियली बी सेलिंग के भाई अकाउंट्स खोलो, एंड वो लोग सेल्स ही कर रहे होंगे, बट बिकॉज दे विल बी इन अ बैंक दे विल से आई एम अ बैंकर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सेल्स की तरफ इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों होता है, और हमारे घर में या हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से हमारा ये एटीट्यूड डेवलप होता है. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ राइट रैंडमली. एनी बडी वॉलंटियर फ्रॉम द ऑडियंस. यू सर, आप बताइए. आप सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट. या प्लीज. वॉट इज योर अर्लीस्ट मेमरी ऑफ अ सेल्स पर्सन? बचपन में किसी को क्या बेचते हुए देखा था आपने? अर्लीस्ट मेमरी क्या बेचते थे? सर्फ एक्सेल राइट. कपड़े कैसे होते थे उसके? ऐसे नॉर्मल से होते थे. अंग्रेजी कैसी बोलता था? एकदम ही चलता राइट. अब देख लो, आपकी बचपन की मेमोरी जब सेल्स पर्सन की यही है राइट, तो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप फैलने में कितना टाइम लगेगा कि यार ये तो ना जिनको और कोई नौकरी नहीं मिलती उनको ये नौकरी मिलती है राइट. जो कि एक्चुअली सच भी है टू सर्टेन एक्सटेंट. मतलब कैंपस पे तो ऐसे ही होता है ना. कैंपस पे बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन, बिकॉज़ इट्स सी लुक्ड डाउन अपॉन दैट पर्टिकुलर जॉब. करेक्ट. Like even, sorry to interrupt, but like someone like HUL or PNG also, they will insist on a sales stint before you get into a brand role. Absolutely. And within their limited approach to how they look at it, they also appreciate the fact ke matlab tumhe sales to on ground to last mile client ko bechne ka kaam karoge, tabhi tum पीछे का पूरा प्रोसेस समझ सकते हो, तब तक नहीं समझ सकते. आई एग्री. तो जब स्टूडेंट कैंपस भी होता है उसको ये चीज नहीं समझ आती, तो वो ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट है. दैट्स वेयर आई आल्सो अप्रिशिएट कि आप you know you are having this talk because this is now reaching the right people right. And I really want to compliment InsideIIM on doing this stuff because I believe ki aisi conversations honi bahut zaruri hai. Mera kehne ka matlab ye tha ki jo memory hai na sales person ki wo aisi ho gayi hai ki ye to aayega aur kuch to chipka ke jayega. Ek to sales person ka jaise hi bolte ho to aapke dimag mein words bhi aise hi aate hain, jhoota kameena, ha koi kaatne wala hai right, abhi kaatne wala hai, abhi chipkayega kuch na kuch मुझे राइट. एंड आप मार्केट में भी जाते हो तो सेल्स पर्सन आपके पास जाता है, आप बोलते हो नहीं 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 भैया नहीं नहीं चाहिए. अब क्या है, अब बेसिकली आपने फैंसी कर दिया उसको, कॉर्पोरेट सेल्स बोल देते हो या कुछ बोल देते हो, बिजनेस डेवलपमेंट बोल देते हो. सो मेरे हिसाब से इट रियली बॉयल्स डाउन टू वेदर आपको घर चलाना है और यू केयर अबाउट व्हाट पीपल से. आप पर इंस्टाग्राम पहले जिंदगी शुरू करता है और लिंक्डइन जिंदगी आगे बढ़ाता है, तो उसमें तो क्या दुनिया मुझे देख रही है वही मैटर करता है, बाकी तो कुछ मैटर करता है. ये बात तो सच है. तो ये भ्रम टूटने में, जिस दिन भ्रम टूट जाता है उस दिन आदमी चिल हो जाता है. मेरा भ्रम टूट गया 2-3 साल पहले. मैं चिल हो गया, मैं बोला यार यही करना है अपने को. तो अभी भी मैं जाके, अब मैं दो टाइप की सेल करता हूँ, या तो मैं अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचता हूँ या मैं इन्वेस्टर से पैसा रेज करता हूँ तो उनको कहानी बेचता हूँ राइट. यही दो काम है मेरे, इसलिए इट इज सॉर्ट ऑफ लुक डाउन अपॉन. बट हियर इज अनदर स्टेटिस्टिक, और ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, ये मेरा अपना बनाया नहीं है. समबडी केम अप विद अ स्टडी विच सेड कि मैंने लिंक्डइन पे ही देखा था, एक इन्फोग्राफिक दिखा था मेरे को एक दिन, दैट इन ऑर्गेनाइजेशन 60% लाइक कुछ सर्वे किया था, सैम्पल साइज किया होगा 1-2 हज़ार कंपनीज का, दैट 67% ऑफ दीज कंपनीज द CEO वॉज द एक्स हेड ऑफ सेल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो आप ये भी देख लो कि आगे कौन बढ़ रहा है. तो ये जो PNL responsibility, ये इन लोग ने आज सुबह एक टर्म सुना था PNL responsibility, now that essentially is sales, right? कि मतलब तुम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, तुम कितना रेवेन्यू लाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं आते उनको सीखना पड़ता है. आज मेरे क्लाइंटल में इतने, मतलब मेरे क्लाइंट्स और जिनके साथ मैं कॉन्वर्सेशंस करता हूँ, प्रोस्पेक्ट करता हूँ, उनमें बहुत ऐसे लोग हैं विच हु हैव नेवर डन सेल्स बिफोर, दे बिलोंग टू अ प्रोडक्ट बैकग्राउंड और ब्रांडिंग बैकग्राउंड एंड ऑल. एंड उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सेल्स कैसे बढ़ाएं.
अगर इन्हीं लोगों ने पहले कर ली होती तो शायद ये क्वेश्चन इतना इजी. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट पॉइंट इज दे आर हैविंग टू फेस दैट रियलिटी एट 40 इयर्स ऑफ एज. आई एम सेइंग आई वुड रादर फेस दैट रियलिटी एट 23-24. व्हेन यू हैव द एनर्जी टू पुट दैट वाटर बॉटल इन योर बैग एंड टेक द ट्रेन एंड डू डोर टू डोर सेलिंग, जब तुम्हारे पास वो एनर्जी है सीखने की तब तुम्हें करना चाहिए. और सर आदमी को ना औकात पता चल जाती है उसके बाद. मेरे को मेरी औकात पता चल गई, मैं बहुत हवा में घूमता था, IIT IIM ये वो सब जो टैग्स बनाए हो ना दुनिया में, मैं भी अपने बैच को कैरी करता था बहुत. मैं 6 महीने के अंदर धरती पे आ गया कि यू आर एज गुड एज योर प्रोडक्ट, यू आर एज गुड एज योर कंपनी.